फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो सीज़न 4 है यमन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो इमिर है वो भी बिल्कुल न्यू लुक में होगा। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी यमन के सीज़न 4 में, क्योंकि फ्रेंड्स जो यमन है उसमें जो इमिर है उसमें थोड़ा सा टाइम गैप होगा, और जो यीत है वो भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि 5 ईयर्स लेटर के बाद दिखाएंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे टाइम गैप के बाद जो यमन है यानी कि इमिर और यीत, उन दोनों की लाइफ में क्या बड़े चेंजेस आएंगे। एक न्यू प्लेयर की भी एंट्री हो रही है, यानी कि न्यू गर्ल की एंट्री हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स अभी तक उन्होंने उसका फेस रिवील नहीं किया, लेकिन वो आ रही है इमिर की लाइफ में। तो देखें फ्रेंड, जो यीत है वो भी 5 ईयर्स का हो चुका है, और जो इमिर है वो अभी भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है अपने न्यू लुक में यमन सीज़न 4 के। तो फ्रेंड, जो स्टोरी है बिल्कुल चेंज होने वाली है, और फ्रेंड जो फरीद है वो भी यमन की लाइफ से, यानी कि यमन की स्टोरी से और इमिर की लाइफ से जा चुकी है। तो देखें फ्रेंड्स, अब सीज़न 4 है, उसकी स्टोरी में क्या न्यू डेवलपमेंट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है यमन सीज़न 4 की स्टोरी। और जो इमिर है उसको भी हम बिल्कुल न्यू लुक में देखेंगे, और जो यीत है और जो यमन में इमिर है, वही तो इमिर को हम बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखेंगे फादर और सन की। तो फ्रेंड्स देखते हैं फिर क्या बनता है सीज़न 4 में, और क्या न्यू न्यू सरप्राइजेज़ होंगे हमारे लिए इमिर की लाइफ में, और क्या न्यू ट्विस्ट आएंगे, और कैसे इमिर सब कुछ फेस करेगा, और यीत और इमिर की जो उनसी बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सीज़न 4 में। तो देखें फ्रेंड, जो न्यू प्लेयर आ रही है वो किसकी लाइफ में आएगी, सच में यमन में वो इमिर की लाइफ में आएगी या किसी और की लाइफ में आएगी, लेकिन अभी ये कुछ भी कहना कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि सीज़न 4 सीज़न 3 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं फिर जो स्टोरी है कैसे न्यू स्टार्ट होती है, टाइम गैप की वजह से कितना कुछ स्किप होगा, और क्या न्यू प्लेयर्स एंटर होंगे, और कुछ पुराने प्लेयर्स हैं वो भी स्टोरी से आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं फिर क्या बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।